तो नमस्कार, स्वागत है सभी का ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन इन्फो चैनल में। और आजकल ये न्यूज़ काफ़ी सुनने में आ रही है, 1300 से ज़्यादा एलटी शिक्षकों की होगी भर्ती, तो न्यूज़पेपर में तो आ गया है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पद खाली हैं। अभी क्या है, मतलब खाली पदों का एक खाका जारी किया है कि कितने पद खाली हैं। तो मुझे तो लगता है दोस्तों, ये पद भी इससे ज़्यादा खाली होने चाहिए, क्योंकि तब से ये लोग ने भर्ती निकाली और इतनी कम भर्ती निकाली, 1431 पदों पर जो भर्ती आई थी। ये दिखने में कितना बड़ा लगता है, लेकिन जब सब्जेक्ट में डिवाइड होता है तो बहुत कम कम पोस्ट किसी एक सब्जेक्ट को मिल पाती हैं। और हिंदी, संस्कृत और लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स को तो फिर भी ठीक ठाक मिल जाती है पोस्ट, लेकिन SST जैसे सब्जेक्ट को, मेन मुद्दा तो यही है, SST वाले कहाँ जाएंगे? कभी भी उनके लिए किसी भी साल में इतनी पोस्ट नहीं आती है कि हाँ 15-20 से ज़्यादा पोस्ट आ गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार भी केवल कितनी, 7-8-10 पोस्ट थी शायद, तो SST वाले कहाँ जाएंगे? जबकि SST में इतने सारे आवेदन आते हैं, इतने सारे लोग भरते हैं SST, और सारे ही स्कूल में SST एक मेन सब्जेक्ट है। ऐसा भी नहीं है कि कोई साइड सब्जेक्ट होगा, जैसे कई सारे स्कूल में नहीं होते हैं कुछ सब्जेक्ट, जैसे आर्ट नहीं होता है कई सारे स्कूल में, जैसे सोशियोलॉजी नहीं होता है। तो इन सब्जेक्ट्स में पोस्ट कम वैकेंट होती हैं, तो कम पोस्ट निकलती है। लेकिन SST में तो इतनी सारी पोस्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट होती हैं, और वो लोग निकालते नहीं हैं। साफ सीधी बात तो ये है कि वो लोग निकालते नहीं हैं। अरे, जब डिवाइडेशन होता है तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत कम आ पाती हैं पोस्टें, है ना? और जब SST की बात आती है तो SST में और भी कम आती हैं। ऐसा क्यों है? और सच्चाई तो यही है ना कि इस स्टेट में अगर तुम धरना प्रदर्शन भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो लोग ने करनी अपनी ही मनमानी है। मनमानी इन द सेंस, कभी वो पोस्ट निकालेंगे तो कम निकालेंगे, अपनी मर्जी से निकालेंगे, फिर वो कभी आंसर की में गड़बड़ी कर देते हैं, उन आंसर्स को सही नहीं करते हैं सही से। यार, वो पहली बात नहीं है, हुए भी हैं आंसर सही, लेकिन फिर भी एक मतलब कहीं ना कहीं वो लोग अपना कुछ ना कुछ बीच में कुछ धांधली करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। लोअर PCS में हमने देख ही लिया, प्रवक्ता में हमने देख ही लिया, 9 अंक का बोनस मिला था, लोअर PCS में 12 अंक का बोनस मिला था। अभी ये पिछले 2019 की जो अभी न्यूज़ आ रखी है फर्जीवाड़े की, वो भी दिखाऊंगी अभी। तो ये सारी चीज़ें इनका चलता रहता है, ये सब कब तक चलेगा दोस्तों? पर हाँ, कुछ ना से तो कुछ सही कि 1300 से ज़्यादा LT के पदों पर शिक्षक भर्ती होगी। अगर होगी तो ठीक है, एक दो लोगों को तो रोज़गार मिलेगा कम से कम। पूरे उत्तराखंड में हमारी 1 करोड़ 1 लाख समथिंग जनसंख्या है, उसमें से SST के कितने सारे भर्ते हैं, उनमें से तुम मतलब चलो 5-6 को तो रोज़गार दोगे। 5-6 सीटें ही आती है, इससे ज़्यादा तो हमने देखी नहीं SST में कभी भी, पता नहीं क्या ही लगा के रखा हुआ है। और SST का टीचर इतना मेहनत करता है, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स उसको पढ़ानी होती है 10th तक की, तो मतलब ये 4 सब्जेक्ट, इनफैक्ट वो 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा रहा है देखा जाए तो। ऐसे ही साइंस वालों का होता है, साइंस वाला टीचर भी सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है। तो ये इन सब्जेक्ट में आनी चाहिए ना ज़्यादा वैकेंसी, मैं ये कह रही हूँ। क्यों ये बेरोज़गारों के साथ अन्याय करते हैं? या फिर तुम हर साल वैकेंसी निकालो, ये भी ठीक है, 15-20 वैकेंसी निकाल रहे हो कोई बात नहीं, हर साल निकालो ना वैकेंसी, जो है भर भर के निकालो, हर एक साल निकालो। ऐसा नहीं है, अगर तुम कम निकाल रहे हो तो हर साल निकालो, और अगर तुम ज़्यादा सालों में निकाल रहे हो तो फिर ज़्यादा वैकेंसी चाहिए भाई। बेरोज़गारी भी तो उतनी होगी, पीछे से जो भीड़ करके आ रहे हैं वो लोगों की भीड़ लग गई है। तो चलो, फ़िलहाल तो हम होप ही कर सकते हैं अच्छे के लिए कि वैकेंसीज आ रही हैं। और आगे एक फर्जीवाड़ा वो ठीक हो गया कि एक फर्जीवाड़ा हो रखा था जो 2019 में इन्होंने नकल करवाई, कैसे तो ये लोग हैं, अभी दिखाती हूँ मैं। ये रहा दोस्तों, ये आज की न्यूज़ है, ये नकल करने के आरोप में एक आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। कैसे शिक्षक हैं और कैसे खुद भी नकल करके पास हुए होंगे ना, तभी तो ये इस तरह के काम करते हैं ये लोग। और मतलब चलो, इतने टाइम से जो 2019 से हुआ है धांधली, वो तब से इन्होंने अब पकड़ा है इसको। देखिए, चीज़ों को होने में कितना टाइम लगता है, 19, 20, 21, 22, 4 साल चले गए, और जिनके साथ उस टाइम पर इतना धोखा हुआ होगा, वो लोग तो ऐसे ही होंगे ना, एक एक नंबर, दो दो नंबर से लोगों की मेहनत करने के बाद सिलेक्शन रुक जाते हैं। देहरादून में जिन्होंने किराए पर रह के अपने पैसे से जॉब के लिए तैयारी की होगी, वो लोगों पे क्या गुजरती होगी? तो ये लोग कुछ नहीं समझते हैं, कैसे लोग हैं ये। और शिक्षक भी इस चीज़ में लिप्त पाए जाते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। 12-12 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये में किसी की जगह कोई बैठ गया, ये रिंकू, पता नहीं मुरादाबादी, इसको क्या ही ज़रूरत पड़ गई थी उत्तराखंड में आके धांधली करने की? क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यही चल रहा है। पहले तो वैकेंसी निकालते नहीं है, निकालते हैं तो कम निकालते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, उसमें आंसर की में गड़बड़ी कर देते हैं, फिर रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट भी देर में आता है, उसके बाद ज्वाइनिंग देर में होती है, ज्वाइनिंग होती है तो पता चलता है कि तब तक कुछ पीछे से धांधली हुई थी। कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती ही रहती है, जब तक ये लोग, ऊपर के लोग जो है ईमानदारी नहीं बरतेंगे ना, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। और प्रवक्ता वाले कितने वो कर रहे थे पद वृद्धि के लिए, कुछ भी नहीं हुआ उसका,
आयोग ने तो सीधा कह दिया है ना दोस्तों, आपने सुना होगा, पता नहीं सुना कि नहीं सुना, आयोग ने सीधा कह दिया है कि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम पदवृद्धि करें। तो हो गई ना बात, एक होप आप रखना कि हो सकता है पदवृद्धि, लेकिन सच्चाई यही है कि पदवृद्धि के लिए उन्होंने ऐसे इस तरह से बात की है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो अच्छी न्यूज़ है कि ये लोग पकड़े गए हैं, और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि चलो वैकेंसी फाइनली कुछ तो है, कुछ ना से तो दो चार लोगों को ही सही जॉब तो मिलेगी, कम से कम किसी को तो सही। लेकिन मसला तो यही है ना कि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, वो लोग इसी भाग दौड़ में रहते हैं कि कभी ना कभी हमारी बारी आएगी, और हर एक साल एक एक नंबर से पीछे रह जाना बहुत दुख देता है दोस्तों। ये थी कुछ जानकारी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।